पंजाबी गायक और रैपर एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर पर हाल ही में फायरिंग की घटना हुई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इस हमले के बाद एपी ढिल्लों के प्रशंसकों में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। एपी ढिल्लों ने इस घटना के बाद पहली बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी। एपी ढिल्लों ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे लोग भी सुरक्षित हैं। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। इसके अलावा उन्होंने सभी को शांति और प्यार का संदेश भी दिया। उन्होंने इस घटना से पहले सोशल मीडिया पर एक पंजाबी गाना पोस्ट कर अपने फैंस को आश्वस्त किया था कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। घटना की जानकारी के अनुसार फायरिंग 1 अगस्त को वैंकूवर में एपी ढिल्लों के घर पर हुई थी। इसके बाद 1 सितंबर की रात को विक्टोरिया आइलैंड और टोरंटो की वुड ब्रिज में उनके दो अन्य घरों पर भी फायरिंग की गई। गैंग ने दावा किया कि यह हमले एपी ढिल्लों और सलमान खान की दोस्ती के कारण किए गए हैं। धमकी में यह भी कहा गया है कि एपी ढिल्लों सलमान खान से दूर नहीं रहते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गौरतलब है कि हाल ही में एपी ढिल्लों और सलमान खान का म्यूजिक वीडियो ओल्ड मनी रिलीज हुआ था, जिसके कुछ ही हफ्तों बाद ये घटना घटी है। फिलहाल कनाडा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।